लेकर आ रहे हैं ये एक यमी से ब्रेकफास्ट की रेसिपी। आप देखिए ये क्रिस्पी और ये बिल्कुल बहुत अच्छा, जरूर बनाइए खाइए। देखिए कितनी अच्छी यमी लगने वाली ये रेसिपी है, कितना बढ़िया है। तो आप जरूर बनाइएगा, जरूर खाइएगा और आपको दिखाते हैं हम इसकी रेसिपी। थैंक यू सो मच। वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज जो हम आपके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आए हैं वो यमी सी रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। उसका नाम आप ही सजेस्ट कीजिएगा कि क्या रखना है। मैंने ये डोसा बैटर लिया है। आपके पास डोसा बैटर बच गया है लेफ्ट ओवर, वो भी आप यूज कर सकते हैं। मैंने फ्रेश लिया है, 1.5 कप डोसा बैटर है। और इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाऊं, ये कुछ इस तरीके की है, ऐसे। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल के इसको ऐसे कर लिया है। और डोसा बैटर कैसे बनाया जाए उसकी जो है मैं वीडियो जो रेसिपी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उसके बाद मैंने ये सब वेजिटेबल्स ली हैं, जैसे शिमला मिर्च, हाफ शिमला मिर्च को मैंने बारीक चॉप कर लिया है, एक गाजर को मैंने बारीक चॉप कर लिया है चॉपर की मदद से, एक प्याज लिया है, एक हरी मिर्च को काट लिया है बारीक, 2 ये स्ट्रिंग है उसकी करी लीव्स की, 8 से 10 पत्तियां आप ले सकते हैं, 2 बीन्स को मैंने बारीक चॉप कर लिया है, 1 चम्मच देसी घी लिया है, आप चाहें तो ऑयल भी यूज कर सकते हैं, धनिया पत्ती मैंने बारीक काट ली है 2 टेबलस्पून के करीब है, नमक स्वाद के अनुसार, 1/2 टीस्पून to 1 टीस्पून आप राई यूज कर सकते हैं, थोड़ा चाट मसाला हम यूज करेंगे और 1/2 टीस्पून हम इनो यूज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पैन में डाल लिया है घी, ये मैंने 1 टेबलस्पून घी लिया है, आप चाहें तो ऑयल यूज कर सकते हैं। इसमें डालेंगे हम ये राई और राई हल्की सी तिड़कना शुरू हो उसके साथ ही हम हरी मिर्च और प्याज डाल देंगे, इसको हल्का सा सौते करेंगे, हमें बहुत ज्यादा इसको नहीं भूनना है। ये देखिए हल्का सा हम इसको सौते करेंगे, हल्का सा भूनेंगे, थोड़ा सा इसका कच्चापन खत्म हो जाए और ये बहुत जल्दी बनने वाला और फटाफट वाला ब्रेकफास्ट है। यानी कुछ चेंज चाहिए, एक दिन आप डोसा बैटर, आप बहुत कम डोसा बैटर तो बनाते नहीं हैं, अच्छे से बनाते हैं तो एक दिन डोसा बनाइए, इडली बनाइए और साथ में मेरा ये ब्रेकफास्ट ट्राई कीजिए। और इसके साथ ही हम डालेंगे ये गाजर, इनको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। सब्जियां कम ज्यादा आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। इसको भी हम थोड़ा सा मिक्स करते हुए सौते करेंगे। ये डालेंगे अब हम इसमें बीन्स, आप मटर ले सकते हैं, आप कॉर्न ले सकते हैं, सीजन के हिसाब से आप कोई भी सब्जी इसमें कम ज्यादा कर सकते हैं। गैस को धीमा रखेंगे और सबसे लास्ट में डालेंगे हम इसमें ये शिमला मिर्च। जो सब्जी आपको पसंद नहीं है वो आप स्किप कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सेम सब्जियों से ही ये बनेगा नाश्ता। इसको अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसका पानी सूखने देंगे, हल्का सा एक टेस्ट में फर्क आ जाएगा। आप कच्ची भी डाल सकते हैं ये सब्जियां, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा लगने वाला है ऐसे। और मैं करी पत्ता डालना भूल गई हूँ, तो मैंने थोड़ा सा इसमें सेंटर में घी डाला है और कुछ करी पत्ते हम बचा लेंगे बाद के लिए और कुछ हम अभी डाल देंगे। इसको हल्का सा भूनेंगे। आप शुरू में जब राई डालें तभी आप करी पत्ता भी डाल दें प्याज के साथ, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा नमक हम इसमें अभी डालेंगे और थोड़ा बैटर में भी डालेंगे। मिक्स कर लिया हमने इसको और अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। ये है हमारा बैटर और इसमें डाल रहे हैं हम ये चाट मसाला टेस्ट के हिसाब से, नमक, इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया कटा हुआ, ये कलर बहुत सुंदर लगेगा।
मिक्स करके इसमें अब हम ये थोड़ी ठंडी करी हुई सब्जियां डाल देंगे और इनको मिक्स करेंगे। ये देखिए कितना कलरफुल लग रहा है, कितना यमी ये लग रहा है। इस समय हम इसमें नमक टेस्ट करेंगे, नमक चाट मसाला अब हम टेस्ट करके देख लेंगे, क्योंकि बनने के बाद फिर आप ऊपर से नहीं डाल सकते। और अब हमें इसे रखने की जरूरत नहीं है। अब हमने ये पैन ले लिया है, इसमें हमने एक चम्मच ऑयल डाला है और इसमें थोड़ी सी हमने ये करी पत्ता और राई डाली है। इसको अच्छे से बस एक बार मिक्स करेंगे। और इधर बैटर में हमने ये 1/4 टीस्पून इनो डाला है, 1/4 टीस्पून के करीब इनो डाल के इस पे हम वाटर डालेंगे थोड़ा सा और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बस एक दो बार अच्छे से मिक्स करना है और इसमें ये बैटर डाल देंगे। आप चाहें तो इनो स्किप कर सकते हैं। ये मेरा थोड़ा फ्राई पैन जो है वो बड़ा है, तो मैं ये सारा एक बार में डाल रही हूं। आप दो फ्राई पैन हैं तो दो में भी एक बार ये तैयार कर सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से ये चारों तरफ से ऐसे डल गया है। गैस को बिल्कुल धीमा कर देंगे और इसको अब हम ढक के पकाएंगे। अब इसको ढक देंगे और इसको गैस को सिम रखेंगे, इंतजार करेंगे इसको पकने का। तो आइए अब हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए ये ऊपर से जब आपको ऐसा लगे ना कि सिक गया है ऊपर से, तो ये परफेक्ट टाइम है। तो अब हम इसमें ऊपर भी थोड़ा सा घी लगा देंगे और आप देखिए कितना फूल गया है। घी तेल जो भी आप लगाना चाहें ऊपर से भी लगा दीजिए, बहुत अच्छा सा फूल गया है ये। अब हम इसको पलटेंगे। अपने आप निकल आता है ये ऐसे, ये देखिए कितना फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया चीज बनकर तैयार है। आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसे उधर से भी सिकने देंगे और अब हम इसको ढकेंगे नहीं, बिना ढके हम इसको पकाएंगे, क्योंकि अंदर से ये पक चुका है अच्छे से। अब देखिए हम इसमें टूथपिक लगाकर देखेंगे और ये देखिए बिल्कुल क्लीन बाहर निकली है, बहुत अच्छे से पक गया है। क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा है इसलिए मैंने ये टूथपिक लगाकर देखा है। तो अब हम इसको पीछे से भी चेक कर लेते हैं। और मैं यहां आपको ये भी दिखाना चाहूंगी, ये देखिए क्रिस्पी आवाज कितनी क्रिस्पी है। अब मैं इसको पलटती हूं प्लेट में। ये देखिए कितना खूबसूरत ये बनकर तैयार है, बहुत बढ़िया है। आप चाहें तो इसको इधर से और क्रिस्पी कर सकते हैं, बट ये मेरी तरफ से बिल्कुल तैयार है। और ये मैंने दूसरी कढ़ाई में एक और रखा हुआ है, ये भी बिल्कुल अच्छे से सिक गया है। ये थोड़ा सा मैंने पतला बनाया है, सेम बैटर से थोड़ा सा पतला है, ये देखिए। तो दोनों तरफ से बहुत अच्छे से क्रिस्पी बनकर तैयार है। आप जरूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो आइए इसकी करते हैं प्लेटिंग। अब आप इसको किसी भी शेप में कट करके खाइए, मैं आपको बीच में से दिखाऊं। ये देखिए कितना स्पॉन्जी, कितना जालीदार ये अंदर से बना है। ये देखिए कितनी अच्छे से ये जाली पड़ गई है। और मैं आपको यहां दिखाऊं, ये देखिए बीच में से भी खुल गया है। आप इसको देखिए बिल्कुल भी चिपका हुआ नहीं है, बहुत अच्छी सी जाली है, बहुत अच्छे से सिक गया है। और ये इसकी दूसरी साइड है, ये दूसरी साइड है, आप किसी भी साइड से रख दीजिए। और यमी सा ये, जो भी आप इसको नाम देना चाहें, बचे हुए डोसा बैटर से आपने हांडवा बनाया या फिर आपने कोई वेजिटेबल स्नैक बनाया, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका अच्छा सा नाम, तो मैं वही फॉलो करूंगी। और ये मैंने हरी चटनी है, आप सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं,
जरूर बनाइए, खाइए। आप बनाएंगे तो ही मुझे पता चलेगा। जो ये वीडियो आज हमने बनाई है, हमने इसको खा कर देखा है, टेस्ट करके देखा है, बहुत यमी है। ये देखिए, मैं आपको यहाँ तोड़ कर भी दिखाऊं अच्छे से, कितना जाली इसमें पड़ी हुई है और कितना फ्लफी है ये, और खाने में तो मजा ही आ गया। ये तोड़िए, चटनी से लगाइए और खाइए, फुल ऑफ वेजिटेबल्स। थैंक यू सो मच।